जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी कि हमें किन बिंदुओं पर इस विषय में चर्चा करनी है, तो उसी को लेकर आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है अलैंगिक प्रजनन। ठीक, तो पुष्पों में प्रजनन की दो प्रकारों की बात हम लोगों ने की थी, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। तो उसी में हम लोग पहला प्रकार जो है अलैंगिक प्रजनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये है क्या। अलैंगिक प्रजनन एक प्रकार की प्रक्रिया है, ठीक है, या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक नया जीव, ठीक है, नया जीव एकल जनक मतलब एक जनक से बनता है और इसमें युग्मक या जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। तो दो पॉइंट आपको दिमाग में रखने, कौन से, कि जो नया जीव होता है वो एकल जनक से बनता है और इसमें युग्मक या जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है। कई एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव अलैंगिक प्रजनन करते हैं। इस प्रक्रिया में जनक जीव या तो विभाजित हो जाता है या फिर जनक जीव का एक हिस्सा नया जीव बनाने के लिए अलग हो जाता है, ठीक। तो ये अलैंगिक प्रजनन की बात थी। अब हम लोग इसके प्रकार की बात करते हैं, तो इसके छह प्रकार थे, विखंडन, मुकलन, बीजाणु का बनना, पुनर्जनन, खंडन, कायिक प्रवर्धन, उनकी बात हम लोगों ने कर ली थी। अब एक एक की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विखंडन की। तो ये विखंडन क्या होता है, ठीक। विखंडन में एक कोशिकीय जीव एक जीवों को बनाने के लिए विभाजित हो जाता है, ठीक। तो विखंडन में क्या होता है, जो एक कोशिकीय जीव होता है वो जब नए जीव को बनाता है तो खुद को विभाजित कर लेता है या विभाजित हो जाता है, किस लिए, नए जीव को बनाने के लिए। इसीलिए इसका नाम क्या है, विखंडन, मतलब विखंडित हो गया नए जीव को बनाने के लिए। यह प्रोटोजोआ और कई प्रकार के जीवाणु बैक्टीरिया जैसे जीवों में होने वाले प्रजनन की प्रक्रिया है। अब विखंडन भी दो प्रकार का होता है, इसमें पहला प्रकार है एक द्विखंडन, ठीक है, द्विखंडन, और दूसरा है बहुविखंडन। तो द्विखंडन क्या होता है, तो द्विखंडन में एकल जनक कोशिका पूरी तरह से विकसित होने वाले बिंदु पर पहुंचकर, अब द्विखंडन है तो कितने हिस्सों में बढ़ जाती है, दो हिस्सों में बढ़ जाती है, ठीक। और इस प्रक्रिया में विभाजन के बाद जो जनक कोशिका होती है वो समाप्त हो जाती है और दो नए जीव का जन्म होता है। इसमें जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, लैस्मैनिया हो गया आदि इसके उदाहरण हैं। दूसरा जो पॉइंट है बहुविखंडन, उसमें क्या होता है कि देखिए बहुविखंडन मतलब कई सारी विखंडन, दो से अधिक विखंडन। द्विविखंडन में क्या होता था, दो विखंडन, और बहुविखंडन में दो से ज़्यादा। तो बहुविखंडन भी अलैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया है जिसमें जनक कोशिकाएँ कई नए जीवों का निर्माण के लिए विभाजित होती हैं, ठीक, विभाजित, कई नई जीवों के निर्माण के लिए क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। तो ये था बहुविखंडन। इसमें जैसे प्लाज्मोडियम, ठीक, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन की प्रक्रिया होती है। और इसमें क्या होता है कि जब एक कोशिकीय जीव के आसपास एक सिस्ट यानी पुटी बन जाता है तो इस पुटी के भीतर जीव का नाभिक कई छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है और जब अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं तो जो पुटी विभाजित होती है और उसके भीतर की कई संतति कोशिकाएं मुक्त हो जाती हैं, ठीक। और प्लाज्मोडियम इसका एग्जांपल आप लोगों को पता है। तो ये विखंडन की बात हो गई। तो विखंडन क्या होता है, तो विखंडन के बारे में जाना, और ये दो प्रकार इसके कौन कौन से हैं, द्विखंडन और बहुविखंडन। अब जो सेकंड टाइप्स है इसका, या दूसरा प्रकार है मुकुलन। तो मुकुलन क्या होता है, तो अंकुर या बड, ठीक, शब्द का अर्थ क्या होता है, छोटा पौधा, ठीक। मुकुलन को इंग्लिश में हम लोग बडिंग कहते हैं, तो बड का मतलब होता है छोटा पौधा। क्या मतलब होता है, छोटा पौधा। तो मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है, ठीक। ये हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है। तो एग्जांपल आप याद रखिएगा और इसके अंतर्गत जो इसकी परिभाषा है या फिर जो इसका अर्थ है वो आप ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सरल है, सब इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसके अंतर्गत क्या आएगा, ठीक। तीसरा प्रकार है बीजाणु का बनना, ठीक। तो बीजाणु का निर्माण एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों ही प्रकार के जीवों से होता है, ठीक।
और यह प्रक्रिया पौधों में होती है। बीजाणु निर्माण में जनक पौधा अपने बीजाणु पेटी से सैकड़ों प्रजनन इकाइयां पैदा करता है जिन्हें बीजाणु कहते हैं। जब पौधों की यह बीजाणु पेटी फटती है तो ये बीजाणु हवा, जमीन, भोजन या मिट्टी पर बिखर जाते हैं। यहीं से वे क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं और नए पौधों को जन्म देते हैं। ठीक, जैसे राइजोब्स हो गया, म्यूकर हो गया आदि जैसे कवक बीजाणु निर्माण के उदाहरण हैं। ठीक, तो ये बीजाणु का बनना हो गया। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ तीन प्रकारों की चर्चा जो की है वहीं तक इस वीडियो को रखेंगे। आने वाले वीडियो में हम लोग पुनर्जनन, खंडन और जो छठा है कायिक प्रवर्धन, ठीक, उसके बारे में बात करेंगे। नई वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम थोड़ी छोटे छोटे वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। तो अभी आप लोगों ने अलैंगिक प्रजनन के छह प्रकारों में से तीन प्रकारों को जान लिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।